सब्सक्राइब कीजिए ज्वेलिया किचन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ चिकन लेग पीस बेक्ड और इनको मैं सर्व करूँगी बेक्ड पोटैटोज़ के साथ। तो सबसे पहले मैं इन लेग पीसेस को मैरिनेट करूँगी। मैंने लेग पीस लिए थे और इनको मैंने धोकर इस तरीके से कट के निशान लगा दिए हैं। अब इनको मैरिनेट करूँगी और मेरे पास है तकरीबन 2 टेबल स्पून क्रीम है, 3 टेबल स्पून मैं ग्रीन चटनी लूँगी, पुदीने की चटनी जो आम हम घरों में बनाते हैं, 2 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल है, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है, 1 टीस्पून मैंने मस्टर्ड पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सिरका डालूंगी, वाइट सिरका मेरे पास पड़ा है, और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, थोड़े से मैंने पेपरिका पाउडर लिया है कलर के लिए, और 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छा सा मैरिनेट कर दूंगी। तो मैं इसके अंदर डालूंगी करीम, ग्रीन चटनी, ऑयल, नमक, चाट मसाला, मस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लावर, सिरका 1 से 1.5 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। ये मेरे पास है सुरख मिर्च और पेपरिका पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छा सा मैं मैरिनेट कर लूँगी तमाम चिकन को। चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है, मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको छोड़ दूँगी ताकि अच्छा सा ये मैरिनेट हो जाए। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे गुजर चुके हैं, मैंने लेग पीसेस को मैरिनेट करके रख दिया था। अब एक पैन मैंने लिया है और इस पैन के अंदर मैं ये लेग पीसेस डालूंगी और इसका तमाम पानी दही वगैरह खुश कर लूंगी और फिर इसके बाद इनको बेक करूंगी। तो ये मैं डालती हूँ, चूल्हा ऑन कर देते हैं और अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि इनका जो अपना लेग पीसेस का पानी है वो भी रिलीज हो जाए और दही का पानी भी जो है ये भी तमाम खुश्क हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इनको बेक करूंगी। अब मैं कवर हटा के देखती हूँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको हल्की आंच करके रख दिया था और तकरीबन 1/2 कुक हो चुकी हैं लेग पीसेस और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं इनको निकालूंगी बेकिंग ट्रे में डालकर इनको बेक कर लूंगी। चिकन लेग पीसेस को मैंने इस तरह बेकिंग ट्रे में फॉइल लगाकर इनके ऊपर रख दिया है। अब मेरे पास पोटैटोज हैं, 1/2 बॉईल ये मैंने किए हैं, इनको मैं साथ रखूंगी इस तरीके से। और हल्का सा इनके ऊपर नमक और काली मिर्च हम डाल देंगे, हल्का सा नमक और काली मिर्च, और अब इनको बेक कर लेंगे। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसको 200 डिग्री पे मैंने ओवन ऑन करके रखा हुआ है, तो मैं इनको बेक कर लूँगी। तो देखिए मैंने ओवन से बाहर निकाल लिया है, 15-20 मिनट मैंने इसको ओवन में रखा था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बेक हो चुकी हैं लेग पीस और आलू भी हमारे बेक हो चुके हैं, अब ये रेडी हैं। बिल्कुल आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी, अल्लाह हाफिज़।